नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि जियो सेल तकनीक का यूज कैसे रेल ब्रिज के दोनों साइड किया जाता है। तो सबसे पहले बारिश के दिनों में नदी में अचानक पानी बढ़ने और उसकी वजह से रेल पुल के किनारे होने वाली कटान को रोकने के लिए जियो सेल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में मिट्टी कटान रोकने के लिए मजबूत फाइबर के 3-3 इंच के खांचों की बड़ी सी श्रृंखला को जमीन में बिछाया जाता है। इसके बाद इन खांचों में मिट्टी भर दी जाती है और ये श्रृंखला तीन लेयर में होता है। सबसे नीचे 10-10 मीटर का लगभग रहता है, उसके बाद दूसरे लेयर में 20 मीटर का रहता है। इस तरह से उसमें फिर से मिट्टी भर दिया जाता है और फिर से रेल ट्रैक रख दिया जाता है। तो सबसे पहले फ्री ज्वाइंट को खोला जाता है और उसको मशीन के माध्यम से लिफ्टिंग किया जाता है और स्लीपर के साथ रेल को हटा के एक साइड रख दिया जाता है। उसके बाद उसको जेसीबी से अच्छे से खुदाई किया जाता है, मतलब उसके लेयर तक। उसके बाद उसको जियो सेल को बिछाया जाता है, उसमें फिर मिट्टी डाल दिया जाता है। इस तरह के प्रोसेस चलता है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से रेल ट्रैक को रख दिया जाता है और ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरह से ये जियो सेल तकनीक का यूज रेल ब्रिज के दोनों साइड किया जाता है।
Thank you.
Thank you.
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।